नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत न्यू ईयर नेता बिफोर वोटिंग सीरीज में फेज फोर इलेक्शंस। तेलंगाना लोकसभा इलेक्शंस के लिए टग ऑफ वॉर चल रही है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है निजामाबाद, आप नाम से पता चल सकते हैं कि किसके नाम में कॉन्स्टिट्यूएंसी बने हैं। आरमूर, बोधन, निजामाबाद, निजामाबाद रूरल, अर्बन, बालाकोंडा, कोर्राटाल, करीमनगर, जगत्याल, करीमनगर मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। ये जनरल कैटेगरी है। ये टग ऑफ वॉर इसीलिए बोला क्योंकि 2014 में यहाँ से कलकोंडा कविता ने टफ फाइट देकर जीती है। यहाँ पे ये लिटरेसी रेट 55% है। एससी वोटर्स 13%, एसटी 5.6%, मुस्लिम्स 17.4%, रूरल वोटर्स 64%, अर्बन वोटर्स 35% है। टोटल वोटर्स अबव 16 लाख है। 1788 पोलिंग बूथ्स है। लास्ट टाइम 68% वोटिंग टर्नआउट है। लास्ट टाइम धर्मपुरी अरविंद बीजेपी के जीता है। धर्मपुरी अरविंद के बीच में और कलवकुंटा कविता के बीच में दंगल हमेशा रहते हैं। 2024 कैंडिडेट देखे तो अरविंद धर्मपुरी बीजेपी का पोस्ट ग्रेजुएट है। इन पर 22 क्रिमिनल केस है। गोवर्धन बाजीरेड्डी बीआरएस का कैंडिडेट है, ग्रेजुएट है। जीवन रेड्डी ताटीपत्ति ग्रेजुएट है। इन पर भी 7 केसेस। सोशल सिक्योरिटी, पेंशन प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेन्स, ऐसा इश्यूज है। कौन इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। ऑल द बेस्ट टू कैंडिडेट्स। जय हिंद, जय भारत।